दिलों के सपने जब लेंगे उतारियां। वो मिली गई? नहीं यार, यार पता नहीं कहाँ चली गई। सुनना तेजो, तू ये पकड़। अब पर मैं 2 मिनट में ब्राइडल सेक्शन से, 2 मिनट जल्दी आना। चल ऊपर चलते हैं। क्या कर रहा है? सीधा खड़ा रहना। फतेह, यही मौका है, जाके बात कर। वो ट्रायल रूम में है यार। पता था मुझे। एक काम कर, चल वापस चलते। तू पागल है? और तुझसे नहीं होनी बात बूत कोई। वैसे ही बड़ा बोलता था, मेरे और उसके दिल की डोरियां रब ने बांधी हुई हैं। भाई अगर रब ने मौका दिया है ना तो बात करना जाके। चल शाबाश, आ। अच्छा एक मिनट रुक, मैं जा ट्रायल रूम में। जा जा शाबाश, जा ना। जल्दी आना ट्रायल रूम में, तुझे कुछ दिखाना है। जी नहीं, आज तुझे अपनी ड्रेस खुद सेलेक्ट करनी होगी। गल खत्म, बाय। कैसे करूंगी यार, खुद करना है चेंज। हाय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं जानती हूं आपको। अजी अजी नहीं, पर आपको पता है मैं आपको अपने आप से भी अच्छी तरह से जानता हूं। जब से आपको पहली बार देखा है ना, तब से किसी और को देखने का मन ही नहीं करता। जहां भी देखता हूं बस आप ही आप नजर आते हो। लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है ये आपको देखने के बाद मुझे पता चला। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे कैसे? प्लीज मुझे बोलने दीजिए ना बस। पता है मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाई है आपसे अपने दिल की बात कहने की। जब भी आप सामने आते हो ना तो मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ, समझ ही नहीं आता कुछ।
ऐसे लगता है जैसे जमीन ऊपर चली गई हो, आसमान नीचे आ गया हो, बीपी बढ़ जाता है, मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं, पसीना ऐसे बहता है मानो मसूरी का कैंपटी फॉल हो। जी मैं जानता हूँ देखिए कि आपका ब्याह ना किसी और दिनाल होने वाला है, पर मेरी ना आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज वो ब्याह के लिए मना कर दीजिए, क्योंकि हमारे दिल की डोरियां एक दूसरे से जुड़ी है ना, और रब ने ना मेरे हाथों की लकीरों में सिर्फ आपका नाम लिखा है। और जी मुझसे ज्यादा ना आपको कोई प्यार नहीं कर सकता इस दुनिया में। ओ जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ओ जी मुझे पता है आपको भी ना मुझे देखते ही मुझसे प्यार हो जाना है, जैसे रोमियो को जूलियट से, हीर को रांझे से, साहिबा को मिर्जा से। तू बाहर आ मिर्जा, तेरे प्यार का भूत तो आज मैं उतारती हूँ। अरे हटो, एक ये ट्रायल रूम में तो कोई और था। तुम मोगे से मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। ओ मैडम आपको ना कोई गलतफहमी हो रही है। ये गलतफहमी वाला डायलॉग तुमने उस दिन भी मारा था ना चिट्ठी वाले दिन, कि मैम आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, चिट्ठी मैंने किसी और के लिए लिखी थी। अब कह दो कि जो अंदर बकवास कर रहे थे वो भी किसी और के लिए कर रहे थे। आई स्वेयर इस ट्रायल रूम में मैं किसी और को प्रपोज कर रहा था। अच्छा जरा मैं भी देखूं किसे प्रपोज कर रहे थे, मुझे कोई नहीं दिख रहा, टेल मी किसे प्रपोज कर रहे थे। हाँ शर्म आनी चाहिए, चीपड़ा कहीं का। चीपड़ा? ओ मैडम एक्सक्यूज मी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली से हूँ। ओ रियली? मुझे नहीं पता था कि रिस्पेक्टेबल फैमिली का लड़का इस तरह ट्रायल रूम में आकर लड़के को छेड़ता है, और वो भी एक बार रिजेक्ट होने के बाद। ओ नहीं कर जा, एक मिनट कर जा, तो तुम जैसी हो को ना ये जेट देखे भी ना, समझी? समझ तब तुझे आएगी जब मैनेजर पुलिस बुलाएगा। मैडम एक मिनट, ये छोड़ो तो मैडम, छोड़ो तो सही एक मिनट। सुनो आपको ना कोई गलत फहमी हो रही है, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग ना एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। अपनी गलती मान दो, लगाओ दो। काय की गलती, वो क्या मानू अपनी गलती जब कोई गलती की नहीं है। तो गलती तो मेरी किस्मत की है जो तुम आ जाती हो बार बार मेरे और मेरे प्यार के बीच में। हूँ जाऊं मैं? वो मैडम सुनो जाने दो, देखो अगर आज मैंने उसे अपने दिल की बात ना बताई ना तो उदा ब्याह हो जाना है किसी और दिन। अपनी फेक कहानी है ना पुलिस को सुनाना। अरे सॉरी मैडम बट मुझे जाना है। तुझे तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी। गार्ड! पागल लड़की, पता नहीं बार बार कहां से टपक पड़ती है। हेलो, कहां चली गई जसू? यही कहीं होगा वो बदतमीज। उसने ग्रीन कलर का जैकेट पहना है। ग्रीन जैकेट ना? हाँ जी। हेलो, हाँ जैस्मिन, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं 5 मिनट में आती हूँ। केड़ा इम्पोर्टेंट काम? 4:15 बज गए, 5 बजे से पहले पहले पहुँचना हमने। तू फटाफट से कैश काउंटर पे आ यार, तेजो जल्दी आ। एक्चुअली मुझे निकलना है, आप प्लीज उसे ढूंढिए और अगर मिले तो उसे छोड़ना मत। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। मेरे बैग ये होया तेजो, इन्हें गुस्से क्यों है? एमी बदतमीज जी आप। अरे वो सब छोड़, तूने अपने लिए कुछ खरीदा? नहीं, चल चलिए। बैग चेक कराइए। मतलब पहले बैग चेक कराओ। हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो, लेकिन मैम बैग तो चेक करना पड़ेगा। ये लीजिए, पर प्लीज जल्दी कीजिए, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा हूँ।
जो ये टी शर्ट मेरे नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गए थे, जो बाय गॉड मैंने नहीं ली। पकड़े जाने के बाद सब ऐसे ही कहते हैं। सही टी शर्ट हमने नहीं लिया, हमारे बैग में गलती से आ गई होगी। हम सच कह रहे हैं, झूठ क्यों बोलेंगे? अभी अभी तो बिल दिखाया आपको। गलती का सवाल ही नहीं पैदा होता मैम, जब भी कस्टमर पेमेंट करता है तो बैग के ऊपर टेप लगा देते हैं। पर सर हम कह रहे हैं हमने टी शर्ट नहीं ली है। आपको मेरे साथ ऑफिस आना पड़ेगा। प्लीज वीर जी, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 5 बजे के पहले हमें एक इम्पोर्टेंट जगह पे पहुँचना है, प्लीज जाने दीजिए। मैम एज पर रूल्स आप इसके प्राइस का 20 times पे कीजिए और आप जाइए। व्हाट नॉनसेंस, आपको समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं? देखिए हमने टी शर्ट नहीं ली है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, अपने सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए। तो बोल रही है, चलिए ये लीजिए आप बैग। अरे बट तेजू, देखिए वीर जी प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे सच में नहीं पता ये शर्ट कहां से आई, मैंने नहीं रोकी। देखिए अभी तक बैग में टी शर्ट नहीं है, जबकि आपके बंदे ने टेप भी लगा दी है। मैम वही तो देखना है कि टेप लगे बैग के अंदर टी शर्ट आ कहां से गई, वो भी पता लग जाएगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरी जैस्मिन के साथ ऐसा कर रहा है और मैंने इसे पंच मार देना है। ओए फतेह प्रा, पंच का टाइम नहीं है, स्टाइल मारने का है। फुल स्टाइल में जा, हीरो बनके अपनी हीरोइन को बचाने जा। जा अब मेरी शक्ल देखिए, आपको मैं चोर दिखती हूँ? ये उतार के जा। अभी तक बैग में टी शर्ट नहीं है सर, हो सकता है उन्होंने छुपाई हो। आपके बैग में डाल दी। सुन लिया? सुन लिया? जी सॉरी जी। सॉरी मैम, आप ऐसे नहीं जा सकते। तूने एक बार ये और रोका ना मुझे, केस कर देना मैंने तेरे पे। ओ हाँ जी, मैं बहुत बड़े बड़े वकीलों को जानता हूँ, वो मेरी सगी मौसी का मुंडा आएगा। ये लो आप नंबर दो अपना, मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ उसका नंबर। हाँ बेटा, देर हो रही है मुझे। ऊपर से उठ रहेगा तभी उठाऊंगा। ओ तू अपने मैनेजर को बुला, अभी बुला, मैं बात करता हूँ उससे। जा बुला। क्या शूटिंग चल रही है क्या, यहाँ फोटो खिंचवानी है? चलो काम करो अपना अपना। सारे के लड़का कह रहा है गलती से मैडम के बैग में टी-शर्ट डाल गई। मैडम की गलती नहीं है। सुना या अभी कुछ सुनना देखना बाकी है? नहीं नहीं हद करते हैं आप लोग, मतलब किसी में भी चोरी का स्टैंप लगा देंगे। सॉरी मैडम, मैडम को जाने दो। मुझे जाने की परमिशन है सर? यस मैम। थैंक यू। जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैम ऊपर से कॉल आई है, आप जा सकते हैं। पहले बोला था, इतना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा एक तो। हाँ जी मम्मी। हाँ हाँ हमने सारी शॉपिंग कर ली। फतेह जब भी प्यार का इजहार करने जाता, किस्मत कुछ ना कुछ खेल खेल देती। कभी तेजो से टकराता तो कभी बोल ना पाता, और कुछ ना हो तो आंटी ही रोक लेती। फतेह पुत्र तू? कौन था वो लड़का?
अरे छटना तेजू छिटी चल। हम तो चंडीगढ़ हर हफ्ते शॉपिंग करने आते हैं। मम्मी पापा कितने ने? आंटी मम्मी पापा घर पे हैं। अरे रुक तेरे अंकल आ रहे मिलके जावे। आंटी अरे रुक जा मैं रोज मिलता हूं मैं मिलूंगा। वो चंडीगढ़ तक ही ना मिल और मिल के जा। मैं क्या जी हमें तो मॉल में जाने का साइकिल चल रही है। दोनों इतना जल्दी यहाँ से बाहर कैसे निकल गए? अरे यार ये तो निकल गई क्योंकि तेरे मुंह से फिर आवाज नहीं निकली। फतेह यार तू रहन दे, तेरे बस की बात नहीं है ये आशकियां उशकियां। और चुप कर ओए, अगली बार देखना सामने आएगी ना सीधा आई लव यू बोल दूंगा, इस बार नहीं चुप रहूंगा मैं। कम से कम उसको ये तो पूछ लेता कौन से होटल में ठहरी है, अब कहाँ ढूंढेंगे यार। हाँ माता बोल। ओ तेरी बात से लग रहा है तेरा प्लान फेल हो गया, मुझे पता था यही होना है। ओ माता मेरा प्लान ना एक दिन जरूर कामयाब होएगा। तू तो रह नहीं थे तेरा प्लान और मेरा प्लान कामयाब होना है। प्लान कामयाब होने के लिए ना दिमाग का होना बहुत जरूरी है मेरी तरह। ओ रहन दे माता, अगर तेरे में दिमाग होता ना तो मैं आज सचमुच कनाडा वाला होता और इस बॉल में नौकरी नहीं अपने लिए कुड़ी पसंद कर रहा होता मैं। बताया मेनू मत्ता देन वाला। एक तरफ हर तिकड़म लगा के इन बहनों को रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ बॉल का रजिस्ट्रेशन करके दोनों बहनें जोर शोर से जीत की तैयारी कर रही थी। चल चल तेजो कर, मैंनू पता है तू कर लेगी। अच्छा बता पीएम ऑफ कनाडा। पीएम ऑफ कनाडा वो है ना गोरा सा सुंदर सा कनाडा का पीएम। तू बता सच मतलब ये तो मुझे पता था अभी तक पर अभी याद नहीं आ रहा है। ए बी सी डी का सेकंड लेटर बी ते हिंदिच दुल्हा हुंदा वर बी वर, ये भी मैनू पता था। मैं नहीं कर सकती ये हील्स वील्स मैं नहीं पहन सकती। ट्रूडो बीवर ट्रूडो बीवर ट्रूडो बीवर ट्रूडो बीवर पीएम ऑफ कनाडा ट्रूडो बीवर बीवर नेशनल कनाडा की हुआ। ओ यार ये इंग्लिश वाले राउंड में फिर से टेस्ट रिजेक्ट हो जाना है मैंने। ऐसा कुछ नहीं होगा जस्सू, नोट क्यों ले रही है? ऐसा ही होगा यार तेजो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी। और ये यही तुझे इनकी जरूरत नहीं है तेजो, तू परफेक्ट है, तुझ में कोई कमी नहीं है, पर मुझे ऐसी नालायक को कोई क्यों पसंद करेगा? मैं तो कपड़े भी तेरी पसंद के पहनती हूँ। जस्सू अच्छा सुन, इधर मेरी गाल सुन, आंखें बंद कर, मेरी नहीं तेरी कर जस्सू, आंखें बंद। अब अपने आप को मेरी नजर से देख, मेरी नजर में ना मेरी जस्सू रानी है, सुंदर सी प्यारी सी भोली सी थोड़ी सी झल्ली पर मेरी रानी। अब इमेजिन कर तेरा राजकुमार ना तुझे वाइट घोड़े पे, वाइट घोड़ा नहीं वाइट मर्सिडीज, चल वाइट मर्सिडीज, तो तुझे तेरा राजकुमार ना वाइट मर्सिडीज में बैठा कर घुमाने लेकर जा रहा है, बाहर बर्फ पड़ रही है और तूने वो तेरा फेवरेट वाला मफलर पहना है। ओ वो कोकोबेरी का लाल वाला वही। अब ना तुम वहां से टर्न लेते हो और आगे कैफे पे जाके रुकते हो और वहां से वो खरीदते हो कॉफी बेगल एंड मफिन फ्रॉम टिम हॉर्टन्स। अब प्ले करते हो तुम एक म्यूजिक, यार की नासी हो दा निक जोनस द प्रियंका चोपड़ा हस्बैंड, ड्रामेबाज सब आता है तुझे, देख एमी फालतू की बोल रही है। मुझे तो सब आता है। तेरे चक्कर में पता कितना लेट हो गया, सुबह जल्दी उठना है, सोने चले चल। तेजो यार वो नींद नहीं आ रही। हाँ। चल तो फिर मैं चलती हूँ। कहाँ वापस मोगे? ओ मैं यही कह रही थी बहुत नींद आ रही यार, चलो चलते हैं जल्दी आ जाओ चलो चलो।
अब क्या हुआ यार? मुझे समझ ही नहीं आता, मैं बात करते करते इंग्लिश के वर्ड्स क्यों भूल जाती हूँ? क्योंकि तू थकी हुई है, बंदे को ना नींदों में ब्लैक आउट हो जाता है। तू देखना जब सवेरे उठेगी तेन सब याद होना है। और तू टेंशन क्यों ले रही है? तेरे साथ मैं हूँ ना, तेरे साथ सपनों की दुनिया में घर है मेरा। वारियां वारियां जान वारियां, वारियां वारियां जान वारियां, वारियां वारियां मैं जान वारियां। बाबा दे देश में नवायो डारियां, बाबा दे देश में। जस्सू 8 बज गए, उठ जा जस्सू, जस्सू उठ जा। ओ यार तेरे जो सोने दे, सुबह 5 बजे ही सोई। आय हाय ये कुड़ी अभी तक उठी नहीं है। पुत्र टाइम देख 8 बज गए, तैयार नहीं होना इसको। तू क्या करी जाके तैयार हो? तुम लोगों को समझ नहीं आता। आया लाड़िए नी तेरा शेरे वाला ब्यामण आया, आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा शेरे वाला ब्यामण आया। डैश नंबर 2 सोनल। तुझे पता है तेजो, इस बार तो मेरा सपना पूरा हो के रहेगा। पूछ क्यों? पूछ ना। क्यों? क्योंकि तू है मेरे साथ। 5 मुंडे ते 14 कुड़ियां ते राउंड होंगे जी 4 ते बन जाएंगी जोड़ियां। सिर्फ 6 लकी गर्ल्स को मिलेगा अपने एनआरआई जीवन साथी का साथ, बाकी रह जाएंगी खाली हाथ। तेजो अगर मैं भी खाली हाथ रह गई और मेरा सपना टूट गया ऐसा तो? कुछ नहीं होगा जस्सू, तेरा सपना कभी नहीं टूटेगा। तू कनाडा जरूर जाएगी और फिर मैं हूं ना तेरे साथ। और अगर कभी तेरा सपना फुर्र करके उड़ने भी लगा ना तो यू ऐसे मुट्ठी में दबोच लेना है मैंने। सच्ची? एकदम सच्ची। आई लव यू तेजो। विश करे विश। विश? अरे वही जो हम बचपन में करते थे, वाई जहाज बना के उस पे कुछ भी लिखते थे तो हमारी सारी विशें पूरी हो जाती थी। चल। अल्लाह जाने या मैं जाना।
हुण सैया मेरी जात नदी च वाटर वाटर च फिश एरोप्लेन करेगा पूरी साड़ी विश तेरे सपनों की दुनिया में घर है मेरा जिंदड़ी के सदके दिल भर है मेरा वारियां वारियां जानवारियां वारियां वारियां जानवारियां वारियां वारियां मैं जानवारियां कनाडा बाबा जी कनाडा पहुंचा दो प्लीज लेकिन अब उसे कनाडा के पीछे पागल हुए पड़े हैं लोग बाबा जी मेरे घर वाले और मेरी ये झल्ली सी बहन हमेशा खुश है ओ ए हुई ना गल बाबा जी इसकी विश जरूर पूरी करना वो तो ठीक है यार लेकिन बाबा जी तेरी विश कब पूरी करेंगे वो करेंगे बुजो जरूर करेंगे For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.